क्या चेक कर रहे थे लोगों का, बस खाली लोगों को बैठा दे रहे थे, नंबर डाल रहे थे, जिसका आया बोले ठीक है तो है, नहीं तो उठा के भेज दे। अगर अडानी फाउंडेशन अगर चाहती है, सही में अगर लोगों का इलाज अगर करना चाहती है, तो फॉर्मेलिटी मत निभाइए, इलाज कीजिए, लोगों का इलाज बेहतर कीजिए, तब आपके ऊपर लोग भरोसा करें। डायरेक्ट हमको मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, सो मशीन नहीं है, सो मशीन से चेक करना पड़ेगा। तो हम बोले कि फिर क्यों आप बैठे हैं यहाँ चेक करने के लिए, जब आप लोगों का नंबर ही नहीं निकाल पा रहे हैं, चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं फिर। आज अडानी फाउंडेशन द्वारा बड़का गांव में लगाया गया था, तो हमें भी इनविटेशन आया था, हम भी वहां पर पहुंचे। मैं अपनी वाइफ को वहां पे लेके गया कि चलो बहुत दिनों से हमने आँख का चेकअप नहीं कराया है, तो चेकअप करा कर देखते हैं कि जो अडानी क्लेम करती है कि हम गरीब लोगों को हम मुफ्त में इलाज करा के दे रहे हैं और बेहतर इलाज करा के दे रहे हैं, तो आज हम भी उस चीज़ को समझने के लिए वहाँ पे गए। तो सबसे पहले तो स्वागत हुआ एंट्री से, हमने एंट्री किया, नाम नंबर जो भी लिखना था सब लिख के आए, उसके बाद जूस मिला, उसके बाद नाश्ते का पैकेट मिला। ये सब फॉर्मेलिटी होने के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए, तो मेरी वाइफ का आँख का प्रॉब्लम है, हम सोचे कि थोड़ा बहुत दिनों से हम चेकअप नहीं कराए हैं, तो हम सोचे कि जाके चेकअप करा लेते हैं। तो करीबन 2 घंटा बैठने के बाद जब हमारा नंबर आया, तो अभी यही बताएंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वेट कितना करना पड़ा? उसके बाद 1-1.5 घंटा बैठे। उसके बाद नंबर आया। हाँ, फिर चेकअप करने के लिए बैठे तो नंबर नहीं निकाल पाए वो हमारा। हाँ, पावर जो था मेरा। हाँ, वो पावर नहीं निकाल पाए। हाँ, वो बोले कि अब नहीं होएगा हमसे, तो डायरेक्ट मना कर दिया। डायरेक्ट हमको मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, सो मशीन नहीं है, सो मशीन से चेक करना पड़ेगा। तो हम बोले कि फिर क्यों आप बैठे हैं यहाँ चेक करने के लिए, जब आप लोगों का नंबर ही नहीं निकाल पा रहे हैं, चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं फिर। तो क्या पहले शुरुआत में क्या चेकअप किया आपको, मतलब आँख से पढ़ने के लिए बोल रहा था वो? हाँ, पढ़ने के लिए हम थोड़े लेट में गए आपके पास, तो क्या बोल रहा था? हाँ, तो हमको पहले पढ़ने के लिए बोला, एबीसीडी जो भी लिखा हुआ था वो देखने के लिए दिया, तो वो जो नंबर दे रहे थे तो उससे बराबर नहीं दिख रहा था। उससे अच्छा आपसे पुराने वाला चश्मे से दिख रहा था? हाँ, उससे अच्छा मेरा पुराने वाला चश्मा ही अच्छा था। तो वो बहुत नंबर लगाए, लेकिन 1-2 नंबर से हल्का फुल्का दिखा, लेकिन हमको क्लियर नहीं कोई भी नंबर आया, कुछ भी नहीं क्लियर, कुछ भी नहीं आया हमको। तो जब आप उसको बोले कि जब हमको कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या बोला वो फिर? बोले कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर अभी नहीं हो पाएगा, तो ये मशीन तो हमारे पास है नहीं। हाँ, तो मशीन से फिर ये करना पड़ेगा। तो आप कुछ तो हम बोलेंगे फिर मशीन क्यों नहीं ले लिए? हाँ, तो नहीं तो हमको मशीन नहीं दिया गया, हमको जो दिया गया है हम उसी से करेंगे ना। हाँ, तो फिर क्या चेक कर रहे थे लोगों का, बस खाली लोगों को बैठा दे रहे थे, नंबर डाल रहे थे, जिसका आया बोले ठीक है तो है, नहीं तो उठा के भेज दे रहे थे। मतलब क्या लगा फिर लोगों का इलाज कैसा होता रहेगा? लोगों का क्या इलाज होएगा, कुछ भी नहीं। जब आपके बस लोग जाते हैं और वहाँ बैठते हैं, आते हैं, लोगों को मिलता है नाश्ता, जूस, खाते पीते हैं, लेते हैं, निकल जाते हैं। और भी वहाँ लोग बैठे थे तो उसका इलाज कैसा हो रहा था? आप देखे 4-5 लोगों का आपके सामने आपका इलाज देखे हुआ? बस वही नंबर डाल रहे थे, बस वैसे ही चेक कर रहे थे और भेज दे रहे थे, जाइए फिर दवा ले लीजिए पीछे से, जिसका नंबर चश्मा ले लीजिए और जाइए। तो क्या लगा आपको, इतनी देर तक आप बैठे थे, हम लोग भी इलाज कराया है मुंबई में आपके आँख का, तो क्या लगा वहाँ का इलाज में, यहाँ के इलाज में क्या लगता है कि लोगों को इसे बुलाया जाता है, फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है, कि कुछ लगा इलाज हो भी रहा था? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगा ऐसा, खाली लोगों को बुलाना है और बस, कोई इलाज वगैरह कोई सही से कुछ भी नहीं होता, खाली टाइम पास है, खाली फॉर्मेलिटी अपना पूरा करते हैं लोग, भेज देते हैं। चलिए, ये हकीकत है अडानी फाउंडेशन के द्वारा जो भी इलाज किया जाता है। आज इतने टाइम तक हम भी लिखते आ रहे हैं और पहले भी आप देखते होंगे कि अडानी फाउंडेशन ने एक कैंप लगाया, लोगों को सिर्फ पैरासीटामोल दे दिया और वही जो 1 रुपए में जो मेडिकल में दवा मिलती है वही दवा। तो आज हकीकत था ये कि हमने खुद अपनी वाइफ को लेकर वहाँ गए और जो उसका पहले से इलाज चल रहा है, तो हम चाहते थे कि इस इलाज को वो कैसा टैकल करते हैं वो देखना था, कि पुराने जो मरीज हैं, जो पुराने उनके आँख का प्रॉब्लम है, हम बहुत दिनों से इलाज नहीं कराए, हमें चेक ये करवाना था कि आँख का प्रेशर कैसा है, आँख का जो भी प्रॉब्लम है अभी वर्तमान में कैसा है। और भी वहाँ बहुत सारे लोग थे, वो लोग भी शिकायत कर रहे थे कि जब आपके पास कंप्यूटर मशीन है नहीं, तो आप आँख का इलाज कैसे करेंगे, कैसे चेकअप कर पाएंगे। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाता है
और इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर अडानी फाउंडेशन अगर चाहती है, सही में अगर लोगों का इलाज अगर करना चाहती है, तो फॉर्मेलिटी मत निभाइए, इलाज कीजिए, लोगों का इलाज बेहतर कीजिए, तब आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि अडानी फाउंडेशन क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाती है या पेपरों में सिर्फ इलाज कराती है या फिर हकीकत में कुछ होता है। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय अपना रंग महल सेंटर।